मैंने आपके यहाँ से शुरू किया कोर्स, मुझे लगता है 1.5 महीना हो गया मैम। मैं प्रभजोत मेहनकर, मुझे लगता है सबसे मतलब ऐसा स्टूडेंट होगा जो सबसे ज्यादा उनको परेशान करता होगा मैम कि मैम ये बता दो वो बता दो, एक दिन में 10 10 15 15 क्वायरी। लेकिन मैम ने मेरे को हर क्वायरी का मतलब एकदम तुरंत देन एंड देयर रिप्लाई किया। और थोड़ा मैम मैं जल्दी में भी रहता हूँ कि बहुत जल्दी जल्दी चीजें सीखने का पता नहीं मेरे को शुरुआत से रहता है। फर्स्ट ट्रेड में मैंने लिया जीरोधा पे, वो भी इंडाइसिस के लिए हमने मैंने जो मेरा फर्स्ट ट्रेड था। अभिमन्यु घुस तो गए चक्रव्यूह में लेकिन बाहर निकलना नहीं जानते, और उधर मेरे को प्रॉफिट रन होना शुरू हुआ लेकिन मैं बाहर नहीं निकलना जानता था। मैं सेल कर रहा हूँ उसको, तो सेल करने में वो पुट ऑप्शन परचेज हो रहा है। और मैम मैंने जो ये सब लिया, ये मैम मुझे जो मैम क्लास देती है उसका मैम मैंने करीबन पूरा एक रजिस्टर मेंटेन किया हुआ, अभी भी मेरे मेरे सिस्टम के पास ही रहता है। और जब भी मेरे को कोई इशू फंसता है ना मैम टेंडर को लेके, मैं तुरंत पेजेस घुमाता हूँ करता हूँ, और मेरे को वो चीज मैम ने जो पढ़ाई है वो एग्जैक्ट वहीं पे चीज दिखती है और मैं उसके आगे ट्रेड करता हूँ। और मैम अगर आपको अपना मैम की वजह से जो मेरा कल का जो मैं प्रॉफिट अगर आपसे शेयर करूँ, तो मेरा कल का प्रॉफिट 1,12,000 का था, परसों का मैम 75,000 का था, तो एक दिन पहले का करीबन 1,17,000 का था। मैम मैक्सिमम मेरा पास मेरा कोई नॉलेज नहीं था मैम, स्टॉक मार्केट में मैं अपने फ्रेंड्स को देखता था लेकिन मतलब वो भी स्टॉक नहीं कर रहे थे, मैं इक्विटी में मुझे लगता है इंडेक्सेस में नहीं कर रहे थे वो लोग, निफ्टी में नहीं कर रहे थे। मैंने मैक्सिमम को मैम पहली बार गूगल में सर्च किया, और मैंने जब आप लोगों को ज्वाइन कर लिया था तो एक बड़ा रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट और भी है मुंबई का, उसमें भी मैंने एक वेब ईयर उनका कंडक्ट किया था। लेकिन मैम जैसे आपके में पता क्या है कि मैम जब ऑनलाइन क्लास लेते हैं प्रभजोत में, तो जैसे आपको कोई डाउट हो तो आप तुरंत वहाँ पे बीच में ब्रेक करके उनसे पूछो, वो चीज को बताएंगे, फिर आपको 2 मिनट बाद कोई डाउट हो फिर आप उनसे पूछो, फिर वो आपको रिप्लाई करेंगे। लेकिन वो जो मुंबई का इंस्टीट्यूट है वहाँ पे एक नेगेटिव ये था कि वो आपको रखते ही नहीं है कि आप बोल नहीं पाओगे बीच में, तो वो आपको बता रहे हैं कि ये आपका बॉटम बन रहे हैं, लोअर टॉप का बन रहे हैं, है ना, तो आप तो बताते जा रहे हैं लेकिन आप बीच में कुछ उनसे पूछ नहीं सकते कि ये कैसे, अगर ये कैंडल बनी मैम से अगर आप बीच में पूछ रहे हो तो मैम वहीं पे होल्ड करके आपको डाउट क्लियर कर रही है, फिर आगे बढ़ रहे हैं, तो उसमें कोई डाउट ही नहीं है मैम जिस तरह उनकी टीचिंग है। और मैं आपको बताऊँ, जो डाउट करेगा ना वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि प्रभजोत मैम के जो स्किल्स है ना मैम, जहाँ पे वो पॉइंट आउट कर देते हैं कि नहीं अब ये इसके ऊपर नहीं जाएगा, तो मैम वहाँ पे मैं अपना प्रॉफिट बना रहा था, मैं 1 लाख के प्रॉफिट पे खड़ा हूँ, मैम मुझे कह रही नहीं अबे अब तुम यहाँ से अपना बुक करो ये ऊपर नहीं जाएगा, और मैं सोच रहा हूँ कि मुझे एक दूसरा आदमी बोल रहा है कि नहीं अबे जाएगा, तो मैम वो मेरा जो 1 लाख का प्रॉफिट था उसे 20,000 रह गया। उसके बाद मैंने उसको विड्रॉल किया और मैंने शाम को मैम को कॉल किया, मैम ने मुझे बोला कि मैंने तुमसे बोला था बुक कर लो नहीं जाएगा। और ऐसा एक बार नहीं हुआ मैम, 3 4 बार हुआ, इतनी जल्दी उनका रिप्लाई आता है कि नहीं अबे नहीं होगा। मैम ने मुझे गाइड किया कि अबे रोज सुबह जी न्यूज देखा करो, तभी स्टूडेंट को गाइड किया उन्होंने, वहां से तुमको बहुत चीजें समझ में आएंगी। मैम वहीं से मैंने देखना शुरू किया, वॉच करना शुरू किया, और मतलब वही एक स्पेसिफिक टॉक चल रहा था जिसको वो लोग जी न्यूज वाले पीछे से जो बोल रहे थे कि यहाँ तक जाएगा इसको होल्ड पे रखें, और मैम कह रही थी नहीं जाएगा। तो मैम कई बार ऐसा भी होता ना कि मैं अपने बताऊं कि हो सकता है कि मेरे दिमाग में था नहीं यार इतना बड़ा प्रोग्राम चल रहा है और ये कह रहे हैं इसको होल्ड पे रखा ही अभी जाएगा, तो हो सकता है कि मैम कहीं मिस कैलकुलेशन हो रही हूँ, मैम को नहीं मालूम चल रहा हूँ, तो मैम उनके कहने पे मैंने उसको रोका और मैं माइनस भी कर, अगर मैम की मैंने वहाँ पे सुन ली होती तो। मैम ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास का जो मेजर डिफरेंस ये है कि आपको जो मैम उस वक्त पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन क्लास जो आपकी चल रही है, मैं जो अपने डाउट क्लियर करना चाह रहा हूँ देन एंड देयर मेरे डाउट क्लियर होते जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने मैग्नम की मैम की बात सुनी, 10 चीजें मैम की सीखी, फिर आगे मैं कर जाता हूँ तो उसको 5 चीजें और बताता, मैंने उसकी चीजें सीखी, फिर मैं 5 कदम और गया, 5 लोगों ने और कुछ बताया, तो एंड में मैम वो रिजल्ट 0 हो जाता है। एक ही जीने से पढ़ो जो मैम पढ़ा रहे हैं, बस उन्हीं का मैम पकड़ लो पर आगे निकल जाए। और मैम मुझे मैम ने कहा कि चार्ट को डेली रूटीन पे मैं डेली चार्ट 10 चार्ट के प्रिंट लेके मैं रात को 12 12 बजे तक उसको चार्ट देखता था। उसके बाद मैम ने मुझे बताया ये वाली कैंडल बनती है तो सही होता है, तो मैम मैं वो कैंडल्स के बारे में जान जान के मैम के पेजेस पलट पलट के ये वाली कैंडल क्या है ये वाली कैंडल क्या है, तो बहुत चीजें थी। मैम देखो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, बस जैसे जो मैम मुझे पढ़ा रहे ये पूरे उन्हीं की क्लासेस के नोट्स हैं मैम जो मैंने बनाया, मैम कहाँ पे क्या उन्होंने बताया किस टाइम मार्केट में एंट्री नहीं लेनी है कब लेनी है,
सब कुछ मैम ए टू जेड ये मेरे नोट्स उनके बने हुए हैं, और मैं जो भी कहीं मैम जैसे कोई चीज फंस जाती है ना तो मैं उसको खोल के वहाँ पे उस स्टेज को जाके कि अब तो यार कैंडल फॉर्म हो रही तो आगे क्या होगा उसके ऊपर मैं ट्रेड कर। क्या चीज आप जानना चाह रहे हो ना ये तो आपके ऊपर है कि आप मैम से क्या निकालना चाह रहे हो, मैम समंदर से आप क्या लेना चाह रहे हो ये तो आपके ऊपर। अब आप मैम समंदर पूरा खराब एक छोटा सा बाउल लेके खड़े हो तो फिर आप लेके चले जाओ। मैं लाइव एग्जांपल हूँ मैम, और मैम हमेशा आगे आके कि नहीं अबे ऐसे नहीं ऐसे ऐसे नहीं है, रूटीन मैसेजेस है मैम मेरे पास व्हाट्सएप पे जो मुझको उन्होंने इतना गाइड किया हुआ है, गुरु है मैम। बस मैम बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस है, और जो कोई भी स्टूडेंट मैं बिजनेस में हूँ लेकिन उसके बाद अभी तो मैं स्टूडेंट ही हूँ, आप कोई भी एनी स्टूडेंट मैम जो ढंग से सुनेगा उनके कहने पे चलेगा तो जैसे आज मैं चल रहा हूँ तो कोई भी कर सकता है। मैम मैं जिस ग्रुप में मुझे मैम पढ़ा रहे हैं तो स्टूडेंट का नाम नहीं शेयर करूंगा, फिर दो तीन बार मुझे मैसेजेस आए कि अबे तुम कैसे कर रहे हो यार सब, तो क्या मेरा तो इतने का लॉस हो गया, तो मैंने कहा वो लॉस आप कहीं और से करके आए होगे किसी और का सुन रहे होगे, मैम के सुनने पर आपका कैसे लॉस हो सकता है, जब मेरा नहीं हुआ तो आपका कैसे हो सकता है।